फायर एंड एमरजेंसी एक्सीडेंट्स जो हैं आज प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन फिर जो है हरि सिंह पार्क के बाहर यहां पर आए हैं और जिस तरह से लगातार इनकी डिमांड रही है कि इनकी जिस तरह से जो सिलेक्शन में घोटाला हुआ है उसको लेकर जो रिपोर्ट आनी थी अभी तक जो है रिपोर्ट नहीं आई है और इनकी डिमांड है कि जल्द से जल्द ये रिपोर्ट आए और जो एस्पिरेंट्स जेन्युइन हैं उन्हें जो है सर्विस में रखा जाए उसको लेकर प्रोटेस्ट लगातार ये करते रहे हैं और अभी भी देखिए प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन बड़ा जोरदार यहाँ पर किया जा रहा है इनके एस्पिरेंट्स द्वारा और काफी समय से पिछले 10 साल से ज्यादा का ये मामला है कि एस्पिरेंट्स डिमांड कर रहे थे कि इनकी जल्द से जल्द जो है इनकी डिमांड पूरी की जाए और लगातार आप इतने सालों से कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक जो है फायर एंड एमरजेंसी के जो डिपार्टमेंट के एस्पिरेंट्स हैं उनकी बात नहीं सुनी गई। सर जैसे कि आप जानते हैं 10 साल से हम प्रदर्शन कर रहे हैं, एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए कितना टाइम लगता है? 10 साल। 3 बार हम लोग इसमें एग्जाम दे चुके हैं, 2 बार हम लोग फिजिकल दे चुके हैं, हर बार धांधली पाई जाती है, लेकिन करप्ट लोग कहाँ है? आज तक बाहर नहीं निकाले गए। उसका नतीजा ये कि 2020 में 100% धांधली पाई गई। वरना आप खुद सोचिए, गवर्नर साहब 2.5 साल नौकरी होने के बाद कमेटी इंस्टेड करते, हमने उनको सारे जिंदा प्रूफ दिए फिटनेस के साथ, जिस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर ट्रांसैक्शन से लेके हर एक चीज, जहां पे आउटडोर कैंडिडेट कैसे अंदर आया वो सब हमने इनको दिया। उसके बाद इन्होंने बोला कि 1 महीने में रिजल्ट आएगा, लेकिन आज 8 महीने होने को जा रहे, कमेटी अपनी रिपोर्ट क्यों नहीं दे रही? किस करेंगे, किसको पूछेंगे? जो वो कमेटी के हेड आर के गोयल साहब, वो कहते हैं हम आपको जवाब क्यों देंगे? अगर वो हमें जवाब नहीं देंगे, एलजी साहब हमसे मिलना नहीं चाहिए, किससे इंसाफ मांगेंगे? हम कहां के नागरिक हैं? हमारी सिटीजनशिप कैंसिल कर दीजिए अगर अगर हम ये इंडिया के नहीं है तो हम किससे इंसाफ मांगेंगे? यहाँ पे तो सामने सामने साफ दिख रहा है कि हिटलर राज चल रहा है, ना हम जो आपको इंसाफ देंगे और ना ही जो है आपको आवाज बुलंद कर रहे हैं। सतवीर जी आप जिस तरह से देख रहे हैं कि पिछले काफी 10 साल से भी ज्यादा का समय है इनके एस्पिरेंट्स की, अभी तक भी सरकार ने बात नहीं सुनी। हालांकि एलजी महोदय जो है हर वक्त ये जरूर कहते हैं कि हम किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे, क्या कहते हैं? उनका कहने का मतलब नाइंसाफी ना करेंगे, नाइंसाफी ही होगी जब तक है। रीजन पहले तो ये त्रिकुटा नगर में जो ऑफिस है सबकी जुबान गले हलक के नीचे चली गई है, जनता की बात ये भी नहीं कर सकते, ये तो जीरो हो गए। उसके बाद किस पे आस रहती है लोगों की? अपोजिशन पे। वो लीडर इतने ईमानदार हैं, इतने ईमानदार हैं कि घरों से बाहर ही नहीं निकलते, इतने ईमानदार हैं घरों से बाहर ही नहीं निकलते, ट्वीट करते हैं। इंसाफ होना चाहिए भाई, तुम्हारे ट्वीट से अगर इंसाफ मिलने वाला होता तो वो पहले दिन ही मिल जाता। तुम्हारे ट्वीट की तब तक कोई वैल्यू नहीं है जब तक तुम सड़कों पे नहीं हो, सड़कों पे लड़ना पड़ता है। ये कुर्ता देख रहे हो, पूरा पसीने के साथ गीला हो गया, पजामा पूरा गीला हो गया, अब क्या क्या गीला हुआ क्या बताऊं? लेकिन अपोजिशन तो जब उनके कोई पॉलिटिकल लीडरों के बन आती है तो उसके लिए तो वो सड़कों पे निकल आते हैं, अपने लिए आते हैं ना लीडर, वो जो जनता के लिए लड़े, अपनों के लिए लड़े तो वो तो घर का बेटी हो गया ना, तो इनके लिए क्यों नहीं लड़ रहा? अपने घर पे भाई पे बात आई तो वो लीडर है, वो सब कुछ करेगा। ये माओ के बेटे नहीं, ये किसी बहनों के भाई नहीं है, इनके लिए कौन लड़ेगा? जो पीएचई पीडीडी वाले, उनके लिए कौन लड़ेगा? बिजली के लिए कौन लड़ेगा? वो इसलिए तो हमारी अपोजिशन फेल है, अपोजिशन मरी हुई है तो ही स्टेट के टुकड़े हुए, अपोजिशन मरी हुई है तो ही 370 टूटा, अपोजिशन निकम्मी है तो ही हमारी स्टेट गई, सब कुछ हुआ अपोजिशन की नलायकी की वजह से। ईडी एंड सीबीआई बहुत अच्छा तरीका है अपोजिशन को घर में बिठाने का, इनको शाम को फोन आ जाता है ईडी और सीबीआई आपके गेट के बाहर, बाहर निकले तो काम तमाम कर दिया जाएगा। ये वो वाला सा डायलॉग है ना, मोना डार्लिंग, ये वो वाले, इनको रात को मोना डार्लिंग का फोन आता, ये बाहर ही नहीं निकलते। शेम ऑन अपोजिशन, अगली बार आपको पुतले अपोजिशन के भी चलते हुए मिलेंगे। लेकिन बीजेपी के जो दिग्गज लीडर हैं वो ये कहते हैं कि चिंता नहीं करनी, क्या कहते हैं? वो कहते हैं कड़ाका कड्डी डेरा, कड़ाका से ही मैंने कड्डी डेरा, देखो कितनी गर्मी हुई, कड़ाका सारा निकला परसों के उनका के निकले, ऐसे कमरे बैठे गल्ला करनी है, उन्हें सिर्फ एक ओहदा देवड़ा गल्ला करनी है, खाली खाली सट्टा मारनी। मैं क्या हूँ लोग के घर नहीं चली आए, लोग अंदरू बड़े दुखी, एक अंदरू जहर तैयार होना लोग तैयार होगी, गई मुंह पर बेशक स्माइल होगी, अंदर बाड़िया के पता के करने तुम्हें तो भी नहीं पता, इसलिए लोग के घर नहीं बड़े हो, यहाँ दे कम करो तो कुछ मिलेगा, तो कम नहीं करके तो पुतले तो तुंदे भी पकौने, कन्या अपोजिशन के पकौने, सारे के फूकी ने, रावण मेघनाथ कुंभकर्ण सारे फूकी ने। इस बीच में लेकिन जो एस्पिरेंट्स हैं 10 सालों से ये स्ट्रगल कर रहे हैं कि इनके साथ इंसाफ हो, उन कहीं ना कहीं उनके लिए सबसे ज्यादा मुसीबत की बात है, कहाँ अपोजिशन, कहाँ पोल जो जहाँ पे अभी बीजेपी की गवर्नमेंट, लेकिन इन बच्चों की कहीं सुनी नहीं जा रही, क्या कहें? देखिये बीजेपी ने कहा था नया जम्मू कश्मीर बनाएंगे, बिल्कुल नया जम्मू कश्मीर ये है,
नया जम्मू कश्मीर वो है कि जो धरने प्रोटेस्ट और अखाड़ा जहाँ पे बन चुका है, जम्मू कश्मीर एक एक्सपेरिमेंट लिबार्टरी बन चुकी है। जब भी कोई प्रशासन, हायर एडमिनिस्ट्रेशन या सेंटर की सरकार है जम्मू के ऊपर जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट में जो सफलता मिलती है तो उस पर एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू हो जाता है। जिस पर एक्सपेरिमेंट में लोग बाहर निकल के आते हैं तो उनके थोड़ा सा साइड हो जाते हैं। जबकि सब कुछ स्पष्ट है कि आपके इनके पास सबूत है, कोर्ट के सबूत है, जहाँ इनके पास सब कुछ है कि बंदे गवाह है इनके पास कि अगर इनके साथ धांधली हुई है, जिनके साथ इस तरीके का स्कैम हुआ है, तो मुझे बताइए अभी तक वेट किस चीज का, किस चीज का है? नौजवानों के साथ जो है आप इतने सालों से खिलवाड़ कर रहे हो, क्यों? ये जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ खिलवाड़ है, जम्मू कश्मीर के हमारी रियासत के साथ खिलवाड़ है। अगर आप लोगों ने जम्मू कश्मीर को नया जम्मू कश्मीर बनाना था तो जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोजगार जो है खत्म करने का कार्य क्यों किया? इस तरीके से लोगों को क्यों रखा? यहां पर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे दिए जाते हैं, बट यहां पे बेटियां भी रोड पे जब आती हैं तो उनके साथ भी इस तरीके का जो है मतलब कि गुहारे लगानी पड़ती है प्रशासन के आगे कि हम बेटियां हैं आपकी, हमारे साथ आप क्यों इंसाफ नहीं करते। और रही बात इन बेचारों की, आज 10 साल से या 12 साल से ये चिल्ला रहे हैं क्या कश्मीर में, क्या जम्मू में, तो मुझे बताइए इनकी एज आज कहां है? ये क्या बूढ़े होने के बाद इनको इंसाफ मिलेगा? अगर कोई और प्रशासन या सेंट्रल सरकार ने किसी अधिकारी के ऊपर कोई भी अगर कार्य करना हो, जहां एक अपनी कमेटी बिठानी हो, तो तुरंत रातों-रात बैठी जाती है, लेकिन इनके साथ अभी तक कुछ भी नहीं। और मुझे बताइए जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे आईएएस आईपीएस सक्षम हैं यहां पे ऑफिसर, उनको आज तक एक भी अपॉइंट नहीं किया, चाहे एलजी का एडवाइजर हो, चाहे वहां पे उनके हमारे चीफ सेक्रेटरी अपना हो, जब कोई भी हायर एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ बाहर से ला के रखे हैं, वो क्या बताएंगे कि इनकी मुश्किलें क्या है, हमारे जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम क्या है? लेकिन यहां पे जो चीज है सिर्फ और सिर्फ तानाशाही, डिक्टेटरशिप जो है वही हो रही है और कुछ भी नहीं यहां पे हो रहा। तो साफ इनका कहना है कि अभी तक जो है 10 साल से ज्यादा का समय हो गया है, जस्टिस नहीं मिला है इन एस्पिरेंट्स को। फायर एंड इमरजेंसी के रिक्रूटमेंट में जो स्कैम हुआ, जो स्कैम निकल कर आया, उसको लेकर अभी तक इन बच्चों को अपना हक नहीं मिला है। और देखिए कि 8वीं 10वीं क्लास के बच्चों को जो है उनको 90 प्लस मार्क्स मिल गए, लेकिन पीजी पीएचडी स्कॉलर्स इन सबको 70 से कम, यानी कि पूरी सोची समझी चाल थी, ये स्कैम था। इस पर कमेटी भी बनाई गई, आर के गोयल साहब जो हैं वो इस कमेटी के अध्यक्ष हैं, लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं आई। 8 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, साफ नजर आता है कि पूरा झोलझाल है, क्योंकि बड़े अफसर लोग जो हैं इसमें इन्वॉल्व्ड हैं, उनको बचाने के लिए जो है सरकार इस समय लगी हुई है और इन बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और आप भी जो है जरूर बोलिए और अपनी बात को जरूर रखिए, और कमेंट में इनके लिए जरूर अपना कमेंट जो है वैल्यूएबल कमेंट दीजिए कि इस तरह से अगर युवा लोग सड़क पर परेशान होते रहेंगे, आप खुद समझ सकते हैं कि हमारे देश का या हमारे जम्मू कश्मीर का क्या भविष्य होगा।